मैं इंडियन रेस वॉकिंग 20 किलोमीटर का प्लेयर हाँ। मैं अजकल बैंगलोर में ट्रेनिंग करता हाँ। जे गल की जाए मेरे शुरुआती दी तो मैं 2014-15 के इसे पिंड अपनी स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स कैरियर की शुरुआत की सी। उस तो बाद मेरे स्कूल के आदर्श सीनियर सैकेंडरी स्कूल काले के मतलब कि स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा रुझान सीगा, ज़्यादातर एथलैटिक का सीगा। उस करके मैं एथलैटिक अपनी शुरुआत की करते कराते मैं पटियाला ट्रायल हो रहे थी। तो मैं 2016 के पटियाला ट्रायल दिन चला गया। तो उस तो बाद मैं मेरी उत्थे सिलेक्शन भी हो गई। तो उत्थे पटियाला जाके मैं गुरदेव सिंह इंडियन रेस वॉकिंग कोच रहे ने ते उन्हां कोले ट्रेनिंग की 2016 तो मैं उन्हां कोले ट्रेनिंग की 2020 तक, जिथे मैं कई नैशनल मैडल जितते ते कई रिकॉर्ड भी कायम किए। उस तो बाद लॉकडाउन होया ते मैं बैंगलोर चला गया। मेरी खेलो इंडिया दे विच बैंगलोर सिलेक्शन हो गई सी ते मैं बैंगलोर अजकल अपनी ट्रेनिंग बैंगलोर कर रहा। तो हुण फिलहाल भी मैं 3 कॉम्पीटिशन खेड के हटिया, जिन्हां दे विच मैं 2 कॉम्पीटिशन दे विच रिकॉर्ड किया ते गोल्ड लिया ते 1 कॉम्पीटिशन दे विच मैं सिल्वर मैडल जितया। सानू जिहड़ी स्टार्टिंग दे विच बहुत प्रॉब्लम आई जी, जदों इहने बरनाले तों इह गेम नू स्टार्ट करिया तां सानू कोई भी ग्राउंड उपलब्ध नहीं सी नेड़े तेड़े। सब तों नेड़े संगरूर पैंदा सीगा, उस टाइम संगरूर सब तों दूर सी, बाकी उह सड़क बहुत खराब सी। तड़के नूं 3:30 बजे उठ के जाना पैंदा सीगा, फिर प्रैक्टिस करके वापस आना पैंदा सी, शामां नूं फिर मुड़ना पैंदा सी। इसलिए हफ्ते 'च 2-3 दिन ही जा पाउंदा सीगा। स्टार्टिंग दे विच देखो जी, जदों ये पटियाले गए उदों तां सानूं पता नहीं सी वी ये बच्चा इन्नी तरक्की करूँ। जदों ये आपदी तरक्की वल वधिया तां सानूं सब तों पहलां तां सूज की प्रॉब्लम आई। जिहड़ा सूज दा इहदा 8-9 हज़ार का एक जोड़ा मिलदा सी, बाकी वह मिलता भी इंडिया चो नहीं सी, बाहरों मंगाउणा पैंदा सी। वह महीना 1.5 महीने घटदा सीगा, मान लो 1 महीने का 10-12 हज़ार सूजां दा खर्च सी। वह सानू पूरा करन ते बहुत दिक्कत आई। बाकी इहदे खाण पीण दा फल फ्रूट दा जिहड़ा सी जूस दा वो आपदे वल्लों करना पैंदा सीगा, घट तो घट 25-30 हज़ार महीने का खर्चे दा साढ़े आपदे उपर पैंदा सीगा। दिल्ली 2018 फरवरी दे विच मैं मीट रिकॉर्ड किया सीगा। तो इस तो बाद 2018 दे विच मैं अंडर 20 का नैशनल रिकॉर्ड किया सीगा। उस तो बाद 1 साल मेरी इंजरी रही आ, मैं उदों गेम नहीं की, 19 दे विच ब्रेक लग्या। फिर लॉकडाउन तो बाद हुण मैं 2021 दे विच फिर वापसी की, फिर 2022 पहला कॉम्पीटिशन खेडिया जनवरी दे विच आल इंडिया यूनिवर्सिटी, उत्थे मैं मीट रिकॉर्ड किया 20 किलोमीटर दे विच। उस तो बाद अप्रैल दे विच कॉम्पीटिशन खेडिया, उत्थे मैं सिल्वर मैडल लिया। फिर हुण खेलो इंडिया होईयां सीगियां, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बैंगलोर दे विच, मैं उत्थे भी गोल्ड मैडल लिया ते प्लस मीट रिकॉर्ड किया। सुपना हुण जिद्दां कि हुण अगे चल रहीआं ने, हुण एशियन गेमां होणीआं सी इस साल विच, तो आल इंड अपना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होनी सी, तो वो चाइना विच होने करके दोनों कॉम्पीटिशन फिलहाल ही पोस्टपोन हो गए। हुण यही आ सुपना, तो 2024 दे विच ओलंपिक भी होनिया ने। हुण अगले साल 2023 दे विचों जनवरी दे विच उन्हां दा क्वालीफाई शुरू हो जाना ओलंपिक दा। तो सुपना यही आ भी ओलंपिक दा क्वालीफाई करिए, तो ओलंपिक दे विच जाके भी वधिया परफॉर्म करिए, मैडल दे लई ट्रेनिंग करिए ते इंडिया दे लिए मैडल लेके आईए। साढ़े पिंड चों एक जी कुलदीप सिंह जिन्हों टकसाली कह देंदे ने, वो बाहर गया हुआ, उन्हें 2-3 बार सानू सूज भेजे जी, कोई उन्हें पैसा नहीं लिया, वो हेल्प करता। एक मेरा दोस्त सेखे तो चमकौर सिंह, वो मेरा क्लासमेट आ जी, उन्हें बहुत बार सानू कहा भी जदों भी वीर जी कोई लोड़ हुंदी तां सानू फोन करिया करो, जदों भी असीं उन्हूं इनफॉर्मेशन दिंदे आ वो साडी बहुत हैल्प करदे आ। इन्हां नूं जिहड़ी वर्दी वगैरह जां रनिंग लई जिहड़े कपड़े चाहीदे उह वी भेजदे आ, सूज वगैरह वी भेजदे आ, वो साडी हैल्प करदे ने। अज कल दी डेट दे विच जां कई सालां तों पंजाब सरकार दा कोई भी ध्यान इन्ना है नहीं गा स्पोर्ट्स बनी। जे देखिया जावे तां पिछले 1-2 सालों तो उत्तराखंड गौरमेंट ने भी बहुत यानी वधिया योगदान दिता गा, हर मैडल ते ओपन नैशनल मैडल ते मतलब कि
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਮੈਡਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ 50,000 ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੇਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ।